जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आजादी से पहले और आजादी के बाद जनमानस ने जब भी अपने उद्गारों की अभिव्यक्ति की तो जिस कवि की कलम से निकले शब्द लोगों के कंठ से फूटे, उस शब्द शिल्पी का नाम था कवि प्रदीप। दशकों दशक तक देश की अंतरात्मा में उमड़ रहे भावों को अपना स्वर देने वाले कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 को मनहर मालवा की भूमि वडनगर में हुआ था। माता पिता ने बालक का नाम रखा रामचंद्र द्विवेदी और यही रामचंद्र द्विवेदी आगे चलकर फिल्मी गीतों के सितारे कवि प्रदीप बने। कवि प्रदीप को देशभक्ति का संस्कार बचपन से ही मिला था। पिता का स्वाभिमान और माँ का सुरीला कंठ उन्हें विरासत में मिला। चम्मल छिपरा और चामलाया की नदियाँ न्यारी, चम्मल छिपरा और चामलाया की नदियाँ न्यारी, कल कल करती बेटी। मालवा के लोक संगीत और नृत्य के प्रति बचपन से रुचि रखने वाले कवि प्रदीप बालपन से ही कवि हृदय थे, लेकिन उनके हृदय में छिपे फनकार को तब और निखरने का मौका मिला जब कवि प्रदीप हिंदी साहित्य से स्नातक करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय आए। लखनऊ विश्वविद्यालय में कवि प्रदीप की प्रतिभा को तो मानो पंख लग गए। गोमती नदी के किनारे बसे शहर लखनऊ ने कवि प्रदीप के हृदय में उठने वाली भाव लहरों को मंच दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्यिक माहौल में कवि प्रदीप का काव्य उद्दीप्त हो उठा। दिन था 6 अगस्त और साल था 1939। इस दिन ने कवि प्रदीप के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। मुंबई के फिल्म जगत यानी बॉम्बे टॉकीज में इस दिन कवि प्रदीप का प्रवेश हुआ। बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने 200 रुपये प्रतिमा पर कवि प्रदीप को गीतकार रख लिया। गीतकार के तौर पर कवि प्रदीप की पहली फिल्म थी कंगन। आज़ादी के बाद एक फिल्म आई जागृति और इस फिल्म में कवि प्रदीप ने ऐसे गाने लिख दिए कि यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ अपने गानों के दम पर सुपरहिट हो गई। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सन 1943 देश स्वतंत्रता आंदोलन के निर्णायक दौर से गुजर रहा था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। इसी साल कवि प्रदीप जी द्वारा लिखे गए किस्मत फिल्म के एक गीत ने देश में क्रांति की लहर ला दी। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा। किस्मत फिल्म के इसी गीत की वजह से अंग्रेज तिलमिला उठे और कवि प्रदीप को अंग्रेजों के अरेस्ट वारंट का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी से बचने के लिए कवि प्रदीप कुछ दिनों तक भूमिगत भी रहे। फिल्म बंधन में कवि प्रदीप ने एक गीत लिखा चल चल रे नौजवान। यह वो दौर था जब स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम पर था और यह गीत प्रभात फेरियों में गाया जाने लगा। उस समय बलराज साहनी लंदन में थे और उन्होंने इस गीत को BBC से प्रसारित कर दिया। अहमदाबाद के महादेव भाई ने इस गीत की तुलना उपनिषद के मंत्र चरैवेति चरैवेति से की। कवि प्रदीप जी के मन में देशभक्त की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सपना था धर्म जाति भाषा और संस्कृति के नाम पर विभाजित भारतीय जन को एक सूत्र में पिरोना। अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहे थे। इस समय कवि प्रदीप ने अपने उद्गार इस गीत के जरिए व्यक्त किए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कवि प्रदीप के काव्य में सामाजिक परिवेश और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने प्रेम काव्य लिखा ही ना हो। जवानी अकेले की घड़ियां भाई, इजाजत हो तो हम आए, हमारी भी ये हसरत है
किसी का प्यार हम पाए। इजाजत हो तो हम आए। अक्टूबर 1962, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। देश ने अपने कई लाल इस युद्ध में खो दिए। नवनिर्माण का सपना देखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके बाद अंदर से टूट गए। इस वक्त देश के जनमानस में नया जोश जगाने और उन्हें अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए कवि प्रदीप की कलम ने कुछ शब्द गढ़े और वह गीत था, हे मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उन्नीस सौ अट्ठानवे में कवि प्रदीप जी को फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कवि प्रदीप को सन 1961 में संगीत नाटक अवार्ड और जय संतोषी माँ के लिए 1975 में BFJA अवार्ड से सम्मानित किया गया। लगभग 1700 गीतों द्वारा आम जन की भावनाओं को अपना स्वर देने वाले कवि प्रदीप 11 दिसंबर 1998 को सुर के उस महालोक की ओर गमन कर गए और अपने पीछे छोड़ गए वो अनगिनत नगमे जो उन्हें सदैव के लिए अमर बनाते हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।